हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने फॉर्म में डाटा लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और इसका जो डाटा लिस्ट बनाने का पर्पस हमारे पास है, ये होता है कि जो हमारे पास ग्रुप या जब इनपुट हमारे पास जहाँ पर हम इनपुट देते हैं फॉर्म में, तो अगर वहां पर हम कुछ चीज इंटर कर रहे हैं तो हमारे पास एक सर्चिंग में यानी कुछ टेक्स्ट आने लग जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ब्राउजर पर हम चले जाते हैं तो जहां पर जाकर हम जब गूगल में ओपन कर लेता हूँ तो देखिए जा इधर मैं जैसे ही मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं डब्ल्यू लिखा तो उसके रिलेटेड मुझे क्या आएगा, सर्चिंग बार में कुछ टेक्स्ट होना शुरू हो गया। तो इसी तरह अगर हम अपने एटीएमएल फॉर्म में अगर इस तरह का अगर हम कुछ पहला अल्फाबेटिक लिखते हैं तो हमें उसके रिलेटेड हमें क्या करें, कुछ चीजें शो करें। तो उसके लिए हम फॉर्म ले लेते हैं, और फॉर्म लेने के बाद मैं इनपुट टैग ले लेता हूँ। इनपुट में हमने टेक्स्ट दे दिया है तो यहां पर मैं लिख देता हूं सर्च, और एक हम सबमिट बटन बना लेते हैं। और इसके अलावा अब जब जो हमें डाटा लिस्ट बनानी है तो एटीएम में डाटा लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास एक टैग मौजूद है डाटा लिस्ट के नेम से, तो वो टैग मैं ले लेता हूं। और इसके बाद डाटा लिस्ट टैग लेने के बाद आपने ऑप्शनल टैग हमने लेना है। ऑप्शनल टैग के बारे में हमने वीडियो मैंने बनाई हुई है तो आपने वो जरूर देख लेनी है। तो यहाँ पर ऑप्शनल और इसका ओपनिंग टैग भी होता है, क्लोजिंग टैग भी। तो क्लोजिंग टैग को मैं रिमूव करता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर उसकी कोई जरूरत नहीं है फिलहाल। तो यहाँ पर मैं कुछ आउटपुट शो करा देता हूँ। एप्पल ले लेते हैं हम, वैल्यू में आपने देनी यहाँ पर, और इसको मैं 3 4 मतलब पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर हम मैंगो दे देते हैं और ऑरेंज दे देता हूँ मैं, ऑरेंज एक स्पेलिंग गलत, ऑरेंज ऑरेंज दे दिया। और यहाँ पर मैं फिर क्या लेता हूँ, कोई कार ले लेते हैं। और इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ और देखिए हमारी इंडेंटेशन भी हमारी क्या हो रही है, दुरुस्त हो रही है। उसके लिए मैंने अपने लाइव सर्वर में जो हमारा वीडियो स्टूडियोज में प्रिंटर किया हुआ, तो उसके लिए मैंने बकायदा मैंने वीडियो बनाई हुई है कि टॉप 5 जो हमारे पास एक्सटेंशन होती हैं वेब डेवलपमेंट में हमें मदद करती हैं। तो वो अगर आपने देखने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँ तो आप वहां से देख सकते हैं। अब देखिए अब मैंने डेटा लिस्ट क्रिएट कर लिया है, हम सर्च बार बना लिया है। तो इसके लिए यहाँ पर हमारे पास हमें एक आईडी दे देंगे। फिर उससे पहले मैं आपको आउटपुट दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है। ये हमारे पास इसको अब देखिए मैं इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए हमारे पास सर्च बार आ रही है। देखिए वैसे सिंपल हमारे पास क्या आ रही है, सर्च बार हमारे पास एक ही सर्च बार आ रही है। देखिए कुछ भी नहीं हो रहा। तो जो अब डाटा लिस्ट अभी हमने बनाई है लेकिन उसको अटैच नहीं किया, तो उसको अटैच करने के लिए मैं यहां पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने इसके स्पैनिंग भी कर दिखे इसलिए हमें बटन शो नहीं हो वहां पर। अब यहाँ पर मैं आईडी ले लेता हूँ ताकि हम उसको क्या कर सकें, अटैच कर सकें। आईडी में दे देता हूँ सर्च, हम दे देते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास इनपुट टैग हो, इनपुट टैग में हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जिसे हम कहते हैं लिस्ट, लिस्ट के नेम से। अब लिस्ट के नेम में जो हमने आईडी बनाई है उसका क्या हम दे देंगे, नेम दे देंगे। जो आईडी में हम नेम लिखे सेम वही नेम देना है, फिर हमारी क्या होगी, डाटा लिस्ट हमारी अटैच हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास क्या आउटपुट आती है। अब जैसे इसको इसको जैसे मैं देखें ओवर करता हूँ तो हमारे पास ये देखिए एक आइकॉन हमारे पास नजर आ रहा है। तो जैसे इस पर मैं क्लिक करूंगा अब देखिए हमारे पास क्या होगी, लिस्ट क्रिएट हो गया। जैसे मैं एम लिखता हूँ, देखिए एम के रिलेटेड 4 कैटेगरी थी हमारी, के 4 कैटेगरी एम के रिलेटेड जो हमारे पास कैटेगरी थी वो हमें शो हो रही है। अब मैं ए लिखूं तो ए के रिलेटेड देखिए हमारे पास कौन कौन शो हो रही है, देखिए एम ए इसमें भी आ रहा है, ऑरेंज में भी आ रहा है, कार में, तो सारी हो रही है। अगर मैं सी लिखूं तो देखिए हमारे पास सिर्फ एक शो हो रही है। तो इस तरह आप एटीएमएल फॉर्म में डाटा लिस्ट को भी बना सकते हैं ताकि हमारे हमें सर्चिंग करने में या टेक्स्ट इनपुट देने में थोड़ी सी ईजी हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।